नमस्कार दोस्तों, स्टील सिटी बैक ऑफिस जहां पर आप पैन कार्ड की पीडीएफ अपलोड करते हैं उसका नया वर्जन आ चुका है। तो दोस्तों, आपको पुराना वर्जन आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये नया वर्जन आपको डाउनलोड करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल अगर आपकी डेस्कटॉप पर है तो आपको डेस्कटॉप से ही ओपन करना है। डेस्कटॉप पर अगर आपका कंट्रोल पैनल नहीं है तो आपको भीतर जाके उसको ओपन करना है। कंट्रोल पैनल जो कि आपके प्रोग्राम में आप जब जाएंगे तो यहाँ से आपके सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। यह उसका पुराना सॉफ्टवेयर है SCSL FPU, इसको आपसे यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आप क्या देखेंगे कि जो आपकी स्टील सिटी का जो बैक ऑफिस है उसके आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है SCSL FPU, ये जो जिप फाइल है ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यह फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में यह जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। उसको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। सेटअप को जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने ये वाली विंडो खुलकर आ जाती है। दोस्तों, ये नया पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि इसमें आपको अलग से फोटो सिग्नेचर क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में ही फोटो सिग्नेचर क्रॉप का ऑप्शन है और डायरेक्ट वो आपके स्टील सिटी बैक ऑफिस पर जब आप उसकी डॉक्यूमेंट चढ़ाते हो तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, आपको अलग से ही अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जैसे आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट्स टाइप में आपको पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी आपका स्लिप नंबर है वो आपको इसमें टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको गो पर जाना है। गो के बाद जो भी आपका प्रिंटर है वो जो डिवाइस है वो यहाँ से कनेक्ट कर लेनी है आपको, और उसके बाद आपको अपनी स्लिप अपलोड करनी है, स्कैन करनी है। स्कैन करने के बाद इसी टाइप से आपको पहला पेज आपका जो कि अब कलर में स्कैन होता है वो यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इस अपलोडिंग के बाद आपको जो आपका फॉरम है 49A या पेन करेक्शन वाला फॉरम, उसको आपको यहाँ पर लगाना है। उसको लगाने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि उसमें सारी डिटेल है, कंप्लीट है या नहीं है, कोई आधे अधूरी डिटेल तो नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा वाला पेज लगाना है जिसमें आपके फोटो लगे हुए हैं। फोटो वाले पेज को भी आप प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे, उसमें किसी प्रकार से कोई जो ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए, कोई ऑप्शन आपको खाली नहीं छोड़ना, पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको यहाँ से फिल करना है। फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि उसका जो सेकंड पेज है उसको भी आपको यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड के लिए आपको दोबारा यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के लिए आपकी जो स्कैनिंग है वो दोबारा चालू हो जाती है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसके बाद रहता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड को भी आपको जो आपका प्रिंटर है उसमें लगाना है, उसको प्रॉपर रखना है और उसको यस वाले बटन पे दोबारा क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी सारे डॉक्यूमेंट्सों की पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी और इसी में से आप फोटो सिग्नेचर क्रॉप कर लेंगे। तो जब भी आप पोर्टल पर जाएंगे तो आपको अलग से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ से कंप्लीट हो गया, इसको नो कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर जाइए। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। ये फोटो का ऑप्शन है, देखिए ये फोटो। फोटो पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, ये फोटो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्रॉप सिग्न इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद सिग्नेचर पे आपको क्रॉप करोगे और यहाँ से जो फाइल है इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार आपकी जो पैन कार्ड की पीडीएफ है वो भी सेव हो जाती है, फोटो सिग्नेचर क्रॉप हो जाते हैं। और ये फोटो सिग्नेचर कैसे ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँचते हैं इसकी भी वीडियो में आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फोटो सिग्नेचर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक क्रॉप होने के बाद यह फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए और बैक ऑफिस में जाइए। बैक ऑफिस में जाने के बाद आपके सामने ई गवर्नमेंस टिन सर्विस डबल डाटा एंट्री, उसमें आएगा न्यू। न्यू में जब आप जाते हो तो पेंडिंग, पेंडिंग में जो मैं स्लिप नंबर चढ़ाया था उसको आप खोलिए। खोलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपके फोटो सिग्नेचर है वो प्रॉपर उसी में पहुंच चुके हैं, आपको अब अलग से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और आपको किसी भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।